शहीद का जिक्र खैर के सदके नाल साडे गुनाह माफ़ फरमाए और खार के अकबर इस जिक्र पाक के सदके नाल तमाम खवातीन हजरात दियाँ दिली दुआ कबूल और मंजूर फरमाए जड़ी मेरी दुआ से मिल गई है खार को भी कबूल फरमाए मजीद आशिक भैया साहब शहीद को खार के कायनात दर्जात बुलंदी अता फरमाए उन्होंने वाहिकीन सबरे जलील अता फरमाए और उन्होंने घर को हमेशा आबाद और शाद रखे। अरे मुहतरम सामीन मैं जनाब के सामने सूरह मुबारक अल आदियात दी दो आयतें पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। खाल के कायनात इरशाद फरमा रहे हैं अफला यालमून, क्या इंसान का इल्म में नहीं है, क्या इसना इंसान इतना बेखबर है, क्या इंसान को ये भी पता नहीं है, क्या ये इंसान इल्म नहीं रखता, इतना तो इल्म इंसान को होना चाहिए। क्या अल्लाह फरमाता है इज़ा बुसरा मा फिल कुबूर, जिस दिन हम कब्रों में से हर किसी को उठा के बाहर ले आए। खाली फरमा रहे हैं इज़ा बुसरा मा फिल कुबूर, हम कब्रों के अंदर जो कोई है उसको बाहर ले आएंगे। मेरे मोहतरम सामीन इस तो मुराद कब्रस्तान नहीं जगह कबूर अल्लाह ने आखे, क्योंकि हिंदू कब्र बनाते ही नहीं, वो जला के सा बहा देते हैं। कुछ लोगों दरिया निकल जाता है, मछियाँ थोड़ा थोड़ा करके खा जाती हैं, कुछ लोगों शेर खा जाता है, कुछ सब खा जाता है। इस तरीके रेजा रेजा भी बंदे हो गए ने, बम धमाके या जहाज फटते हैं तो बंद लाशा भी नहीं लगती हैं, उनकी कबर कितने बनी हैं। वो फिर यह मतलब यह नहीं कि जी कबर नहीं होगी वह हिसाब ही नहीं होगा। उलमा फरमाते हैं जहाँ भी कोई है रेजा रेजा भी है तो वो उसकी कबर है, थोड़ा थोड़ा भी है तो जिथे जिथे भी है वो उनकी कबर है। अल्लाह फरमाते हैं जहाँ भी कोई होगा हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर कड़न तो बाद अल्लाह का हिसाब नहीं, हिसाब कदों होगा। अल्लाह फरमाता है इज़ा बुसरा मा फिल कुबूर, जब हम कब्रों से बंदे निकालेंगे, वह हुस्सीला मा फिस सुदूर, और बंदों के सीनों से उनका नजरिया निकालेंगे। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, कब्र से बंदा निकालेंगे और बंदे से उसका नजरिया निकालें। मेरे मोहतरम सामईन इंसानों का हिसाब नहीं होना, इंसानों के नज़रियात का हिसाब होना, इंसानों के नज़रिए का हिसाब होना। जिहड़ा गैर मुस्लिम है उसका भी एक नज़रिया है अल्लाह को नहीं मनता, जिहड़ा मुसलमान हो चुका है उसका भी एक नज़रिया है वो अल्लाह को मन गया। मुसलमानों के बिच बड़े ते फिरके ने जिन्हों के मुख्तलिफ नज़रियात ने, वो नज़रिया मुख्तलिफ है, बंदे इको जे ने यार। बंद दो अखा ने, बंद दो हथ ने, बंद के दो पैर ने, इंज ही सारे बंदे ने। जिन्हें बंदे मुसलमान ने इन्हों के बिच भी कोई ना कोई नज़रिया तो है ना, जो बंदा है लतीस है वह एक नज़रिया है, देवबंदी है वह एक नज़रिया है, शिया है वह एक नज़रिया है, ये अहले सुन्नत है वह एक नज़रिया है। यह सारे बंदे नज़रिए फ़र्क रखते हैं और अल्लाह भी बंदे का हिसाब नहीं लैना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह भी नज़रिए का हिसाब लेना। ये जेडे नवीद आशिक साहब पढ़ रहे सर, वो दुआ कर रहे सर, जेडे वेले शहीद है जो पढ़ रहा वह भी एक नज़रिया, जिहड़ा हिंद बैत की तारीफ कर रहा वह भी एक नज़रिए। जिस बंदे जाके फाइल किया है, बाकायदा प्रोग्राम दिता है, तेन भेजा गया है, वो जिन्हें फाइल किया ना उसके निरा गोष्ठियों वो अंदर एक नज़रिए, उस नज़रिए उसने फायर मारे, नज़रिए शहीद किया। यह मतलब उन्हें कोई गल पसंद नहीं होगी, उन्होंने अकीदा पसंद नहीं होगा, अकीदा पसंद नहीं होगा ना, उन्हों का अकीदा पसंद नहीं तो उन्हें फायर मार देता। इतना जमे गफीर च मैं कुरान समय रख के गल कर रहा, बड़ी दुनिया के अकीदे सानू पसंद नहीं, उंज असा मारन वाले बच्चे तैयार नहीं किए। बड़े लोगों के सानू नज़रियात पसंद नहीं, मैं फिर अर्ज कर रहा, बड़े लोगों के नज़रियात सानू पसंद नहीं। लोगों के हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की, लोगों के उन्होंने वालदा ए माजदा की भी तौहीन की, लेकिन साढ़िया उलामा तो लैके छोटे बंद साढ़े जैसा तक असा एक बच्चा भी ना कुछ कुछ हमला आवर तैयार किया, ना पिस्टल दे के भेजे, ना त्राशन कोल दे के भेजे, ना छुरी दे के भेजे, असा छुरियाँ भी दतिया ने, तो इन्होंने आख्या अपने आप न मार किसी को नहीं मार, किसी को नहीं मार। वो जो असी बंदा तैयार करते, थोड़ा की ख्याल है साढ़े जज्बात कोई नहीं, तुहाडा की ख्याल है यार साढ़े ईमान कोई नहीं, तुहाडा की ख्याल है साढ़े गुस्सा कोई नहीं, तुहाडा की ख्याल है साढ़े गैरत कोई नहीं। कुरान की कसम है साढ़े विच सब कुछ है, साडा ये नजरिया नहीं। मगर एक आयना है तुम जैसा ख्याल तो सब अच्छा समा।
असल च बंदे नूं मार देना ये साडा नजरिया नहीं। उहदी वजह असीं दलाइल देने, असीं अहले बैत दे हक च दलाइल देने। असीं चाहुंदे हां कि सारे बंदे अली वली अल्लाह पढ़न। साडा दिल करदा जिन्ने बंदे ने सारे अली वली अल्लाह पढ़न। हुण जदों साडा दिल है कि सारे बंदे अली वली अल्लाह पढ़ जाण, ते फिर नजरिया उहनां तक पहुँचेगा तो पढ़नगे ना भाई, नजरिया पहुँचेगा तो पढ़नगे ना। हुण तुसीं आप दसो एक वारी मेरे नाल मिल के सारे बंदे ये फरमाओ कि सारी दुनिया के मुतलक साडा दिल करदा ना कि ऐ दुकानदार भी अली वली अल्लाह पढ़ जाण, ऐ कपड़े वाले भी अली वली अल्लाह पढ़ जाण, आ गोल गप्पे वाले भी अली वली अल्लाह पढ़ जाण, आ मस्जिदां दे मौलवी भी सारे अली वली अल्लाह पढ़ जाण। हुण ये गल दसो कि साडा जदों अंदरों दिल है कि सारे अली वली अल्लाह पढ़ जाण, तो फिर साडा काम है उन्हां तक नजरिया पहुँचाना। तो जे सारे मुंजी मार दईए तो अली वली अल्लाह किन्नू पढ़ा, तुसां गौर नहीं फरमाया। सारे उठाओ ना, मैं ना पहला बंदे जिंदा रहनगे तो कोई गल सुन गया ना साडी। इहदा मतलब है साडा काम है नजरिया पहुँचाना, बंदे मारना साडा काम नहीं। ये मैं समझना कि अगर असं बंदा मार दईए अली वली अल्लाह नहीं पढ़ता तो बंदा मार दईए तो सानू हज़रत अली दिल करे गलमियों फड़ लैन बरोज़े माशर कि जिन्हों मनवाना सा जी उन्हों मार छड़िया सा जी, जिन्हों मनवाना सा जे उन्हों तुसां उंची मार छड़िया तो मनवाना किन्हों सा जी। बंदे सहाबा कराम नूं रासीबा करदे ने रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मेरा ख्याल है इन्हां बंदिया ने सुहाबा कराम नूं भी राजी नहीं करना, इन्हां सुहाबा दे ढाए चढ़ जाना, गल करे सुहाबा गिरबान तो फड़ के पुछण तुसां जिन्हां नूं मनवाना सी उन्हां नूं उंची मार छड़िया तो मनवाना किन्हों सा जी। अल्लाह दे बंदे ओह नजरिया मनवाई दे, जे जांच होवे तो नजरिया मनवाई दे। तुसीं एक गल दसो, फैसलाबाद वाले गोश्त खांदे हो कि नहीं? छोटा छोटा खाओ, बड़ा खाओ, मुर्गा खाओ, तुसां जितों गोश्त देंदे हो उत्थे टंगिया हुंदा गोश्त, उहदे चों चांपा लै आओ, उहदे चों तुसीं पुट्ठ लै आओ, उहदे चों गोडी लै आओ, दो दो दिन करदा लै आओ। कदी तुसां पहलां कसाई नूं अली वली अल्लाह पढ़ाया यार? कभी किसी किसाई को आख्या मैंने अली वली अल्लाह पढ़ के तकबीर पाई? तकबीर तो उस घर पाई है, सिवा उस घर किया लिया के गोश्त टंगे है, तो जिन्हें टंगे है असा ले लिया, जिन्हें टंगे है असा ले लिया। मैं आलुओं की गल नहीं कर रहा, मैं गोश्त की गल कर रहा। आलुओं से तकबीर नहीं पैंती, गोश्त तकबीर पी। ए मतलब जानवर से तकबीर उन्हें घर पाई है, उस लिया के टंगे है, असा ईमानदारी को ले लिया। कसाई है सुनत है वो सिवा से सू यकीन है, तुम्हारी क्या बात है। कसाई है लदीस है वो सिवा से भी सू यकीन है। कसाई देवबंदी क्यों ना हो, असा कभी नहीं पूछा। या तुम दसो कि वलायत पढ़ा के गोश्त की तकबीर करा दी? नहीं, जिते गोश्त होया होगा तुम लै आओ। यह मतलब सानू यकीन है जिन्हें उन्होंने एक मनिया ना वह मुसलमान है। क्या बात है, बड़े सुनो सब उठाओ करना। जिन्हें अल्लाह एक मनिया वह मुसलमान है, जिन्हें मुस्तफा की नबूवत मनिया वह मुसलमान है, जिन्हें कुरान की अजमत मनिया वह मुसलमान है, जिन्हें काबा अपना किबला बनाया वह मुसलमान है, जिन्हें शहादतैन का कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो मुसलमान है। साडा यकीन है तो असा गोश्त लिया ना, और यार उस सिबा घर किया तो साडे लिया, असा यकीन ना ही लिया ना। इहदा मतलब असीं अहले सुन्नत नूं भी मुसलमान समझने, मनोगे तो अगों बढ़ा, अहले हदीस नूं भी मुसलमान समझने, जो बंदी दोस्तों ने भी मुसलमान समझने, ता ही उन्हां दा सिबे हक खा लैने। मैनूं एक बंदा आंदा यार तुहानूं लोक काफर आंदे ने, तो तुम जेड़ा तकबीर पाजा खा जाते हो, जेड़ा तकबीर पाजा खा जाते हो, तेरी वजह की है? मैं क्या साडे नजरिए च कुफर कोई नहीं। आवाज साडे नजरिए च ही कुफर कोई नहीं। एक दिन वो ही बहुत सारा महफिल कबूल से निकाल लेगा, और फिर बंदों के सीनों से उसका नजरिया निकालेगा। पहला अकीदा है तौहीद, आखिरी अकीदा है आखिरत है, उसके दरम्यान अकीदा है नबूवत है, उसके बीच ही अकीदा है खिलाफत है, उसके बीच ही अकीदा है विलायत है, उसके बीच ही अकीदा है इमामत है। ये सारे अकीदे बीच आते हैं। पहला अकीदा है तौहीद, आखिरी अकीदा है आखिरत है। हुण जिहड़ा अकीदा मैं मर्कज़ी अज पढ़ना चाहना मेरे अज़ीज़ो, एक अकीदा है नबूवत, ऐसा अकीदा है, अकीदा है नबूवत। ये ऐसा अकीदा है हर अकीदा ये गिर्द तवाफ कर, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। हर इस्लाम का अकीदा ये गिर्द तवाफ करता है। जे तौहीद दसीए तो नबी ने, बोलो जे आखिरत दसीए तो नबी ने,
जे खिलाफत दसीए तो नबी ने, जे वलायत दसीए तो नबी ने, जे इमामत दसीए तो नबी ने। तुसी सोचो, मैं ऐलान करके कह रहा कुरान के हाथ रख के, जिसका अकीदा नबुवत ठीक नहीं उसका कोई अकीदा ठीक ना, उदा अकीदा तौहीद ठीक है ना, उदा अकीदा आखिरत ठीक है ना, उदा अकीदा इमामत ठीक है ना, उदा अकीदा खिलाफत ठीक है ना, उदा शुक्रिया किबला ना, उदा अकीदा विलायत ठीक है। जो पिछले दोस्त बैठे ने मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा नाल कर दिया, क्योंकि एक पास मैं रुख कर सकता। मेरे अजीजो, इस्लाम का बुनियादी अकीदा नबूवत है, बस नबी नबी है, बस नबी नबी। मैं कहना बस नबी नबी है तो नबी नबी है। कुरान मेरे सामने अली अली की ताए जे नबी नबी बोलो जी, और अली अली भी इस वास्ते है जे नबी नबी। शुक्रिया जनाब, कितना मजबूत कोई मुसलमान है। शुक्रिया, जिते जेहन च जितनी नबी की इज्जत है उन्ना मजबूत मुसलमान है। मैं फिर ऐलान कर रहा, जिदे सिर च जिनी मेरे पैगंबर की इज्जत है, जिनी मेरे मुस्तफा की इज्जत है, उन्ना वो मजबूत मुसलमान है। जिनी नबी की इज्जत उसके सिर चो कटती जाएगी नजरिए विचों, उन्ना उसका हर अकीदा कमजोर होता जाएगा। और मुसलमान की मुसलमानी कमजोर है, उस मोमिन की मोमनीयत कमजोर है, जिदे सिर च नबूवत का अकीदा मजबूत नहीं। मिसाल दे रहे, आल की दी है, आल की दी नबी दे, असहाब के दिन नबी दे, अजवाज के दिन नबी दे, आले मुहम्मद, असहाबे मुहम्मद, अजवाजे मुहम्मद। नबी दी बीवी अजवाजे मुहम्मद, एदा मतलब है अजवाज दी इज्जत है ते पैगंबर दी वजह तो। सदके सदके सदके, जे आल दी इज्जत है ते पैगंबर दी वजह तो, ते ते असहाब दी इज्जत, असहाब दी वारी तो चुप करदे हो उदो बंद अंदर लवी आ मर गए। खुदा का ना जी, असहाब की बारी ओडी उची बोलो। जो मैं किसी मजमे असहाब का ना लिया ना, तो शीयो के चेहरे इंज ही खिल गए ने जिमें या अली आखी है, तो ऐ हदीसा दे खिल गया। हूँ ठीक हो गया। आल कि ने नबी दे, आल कि बोलो उची बोलो, आल कि इन्ने बंदे हो मेरे नाल तुहाडी आवाज उच्ची होनी चाहिए। आल कि असहाब कि नबी दे, अजवाज कि नबी दे। इहदा मतलब है हसनैन की इन्नी इज्जत इस वास्ते ने कि किसी आम बंदे उन्होंने मोड़ने से नहीं पाया, नबी ने मोड़ने से पाया। ठीक, सहरा की इज्जत इस वास्ते ने कि आम बंदा बतूल के सामने नहीं उठा और नबी सहरा के सामने उठा। हजरत अली की इज्जत इस वास्ते में कि आम बंदे अली का हाथ नहीं बुलंद किया, नबी ने किया। सलमान नबी आख्या तू मेरे घर का बंदा, सहाबी की इज्जत हुई नबी की वजह तो, आल की इज्जत सदके नबी की वजह तो, असहाब की इज्जत या नबी की वजह तो, अजवाज की इज्जत नबी की वजह तो। रख मौलवी कुरान से हाथ है, जरा नबी नु ही अपने जैसा समझ जाए सदके जावा। साहबें का मोमिन अली हक, 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 कुल ईमान हक नारा हैदरी। सब जो फरमाई मैं इज्जत पैगंबर की गल कर, जितना तुहाडे ज़हन च पैगंबर बा इज्जत और साहिब इज्जत होगा, उन्ना तुसी आल नु भी बा इज्जत समझोगे, असहाब नु भी बा इज्जत समझोगे और अजवाज नु भी बा इज्जत समझोगे। नबी ते नबूवत मौके ही, नबी तो बाद नबी कोई नहीं। फिर बोलना पाया, नबी तो बाद नबी कोई नहीं, मेरे रसूल तो बाद रसूल कोई नहीं। शिया सुनी है हदीस देवबंदी सारे बंदियों का मुकम्मल ईमान है, और खत्मे नबूवत ते सारे कट्ठे ने, खत्मे नबूवत का अकीदा ही साडा अलहमदुलिल्लाह जिदा खूबसूरत साडा नजरिया शायद ही किसी का हो। खत्मे नबूवत ते भी साडा नजरिया अलहमदुलिल्लाह कमाल ते। अगर तुम तवज्जो फरमाए तो मैं अर्ज कर देना, साडे ते एक अल्जाम है दशिया बूटी पीते, बूटी को जान दो गल मेरे तुम कहो फरमा बूटी, और बूटी का सीधा ना सरदाई, सीधा ना की
ਆ ਸਰਦਾਈ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਹੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਹੇਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਬੂਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਨਸਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਵਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਡਿੱਗ ਪੈਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਟੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਸਵਾਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਵੀ ਮੌਲਾ ਆਖੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਬਲਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬੂਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨੀ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਨਵੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਤੇ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਯਾਰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਪਾਏ ਬੋਲੋ ਉਹ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਯਾਰ ਨਦੀਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਮੈਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹੋ ਫਹਾਦ ਅਲੀ ਉਨ ਮੌਲਾ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹੂੰ ਉਸ ਕਾ ਅਲੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਆਖਰ ਕਬਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਬਰ ਸੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਬੰਦੋ ਸੇ ਉਨਕਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਦੀਰ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੋਸਤ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਅਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਬੂਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੌ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਟਕਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਪੀਤੀ ਉਸ ਬੂਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਉਨ ਨਬੀ ਉੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ ਵਲੀ ਵਲੀ ਮੰਨੇਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਜਲਿਸ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ
अपने जज्बात का इजहार कर चुके जी। अच्छा दोस्त अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मजमा इन्ना बहुत ज्यादा है कि आवाज़ उन्होंने थोड़े बंदे तक रही है, दूर तक नहीं जाती। अच्छा चलो अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान चुके तो जो है ना, इहदा मतलब है कि साडा बेहोश भी हो गए कि अली नूं नबी नहीं मन वली मन। परवेज अली साहब ने फरमाया कि जिथे नबी लिखे उत्थे खातमुल नबीयीन लिखो, ताकि साडे बच्चों को भी याद हो जाए कि नबी आखिरी नबी है, नबी आखिरी नबी है, नबी आखिरी नबी। तो मैं जरूर अर्ज करांगा कि साडे वाले बच्चे जो इन्हां नूं पहुंचाउण दसण की लोड़ नहीं। पता क्यों? इन्हां मौला नूं मौला मने, मौला अली नूं हसबुत मुश्किल कुशा मने, मौला अली नूं हाजत रवा मने। अली का मुँह वेखना यह इबादत समझते हैं, जिक्र करना यह इबादत समझते हैं, फिर मुहब्बत रखना इबादत समझते हैं, अली की एक जरब न सतलैन दियाँ इबादतों तो अफजल समझते हैं, अली कसीम नारे वाल चलना समझते हैं, ये बंदे अली टिकटा वंडन वाला समझते हैं, ये अली अली करते हैं, तो हर वेले अली अली करते हैं। लेकिन साढ़े निके निके बच्चे ने तुम्हें पता, बच्चे भी तकरीबन बूटी पीने वाले वो ही होते हैं, क्योंकि भी पटाखा उत्थे चलाते हैं जिते बाबा गाला कढ़न वाला हो, क्योंकि सादा जगह तो यह भी नहीं चलाते। ये जरा गाला खा के अगो हसे वो भी बेहोश ही तकरीबन होंगे, ये बेहोश तो नुकन ना होंगे, नाले बाबे को गाला खानी ना हस, ये निगे निगे बैठे ने हम भी भसते हैं। लै भी अजाने ही ने ना, यह भी अजाने, तो जिन्हें पीती है बूटी वह भी अजाणा, ये साढ़े भावें किन्ने अजाने ने ना, इन्हें एक गल का पता है, एक गल का खत्म है नबूवत ते चिट्टा साडा मौका भी मान है किसी का हो ही नहीं सकता। ये अली मुश्किल कुशा ते हाजत रवा ते नादे अली पढ़ के हर शाह नबी तो बाद अली मन के इन्हों पता साढ़े बच्चों भी जो मुहम्मद तो बाद अली नबी नहीं ना हो सकता तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। सदका जावना मौला तुम जजा दे, बहुत शुक्रिया। और जो अली जैसा नबी नहीं हो सकता तो फिर कोई भी नबी। अगली एक और भी गल कर लें, साढ़े मुतल एक बंदे एक नजरिया कायम कर लें कि अली रब मनते, अल्लाह तेन माफी दे। मैं क्या कर ला, मैनू तो मैं गलती कोई नहीं करी, अल्लाह तेनू माफी दे। जरा मैं अली रब मनते हैं, कुरान ते हाथ रख के दस जे तू बूटी नहीं पीती तो तू ही होश रख, दस ये जरा अली नबी नहीं पा मनता रब के वे मन। भाई मौला तुम चर्चा कर, भाई क्या बात है, तुसा बड़ी अच्छी तारीफ फरमाई। मेरे अजीजो मेरे नबी तो बाद त्रै उद्दे कमाल दे उद्दे ने, एक खिलाफत, एक वलायत, एक इमामत। हर मजहब त्रै के नजरिए मौजूद ने, हर मजहब खलीफे भी मौजूद ने, हर मजहब इमाम भी मौजूद ने, और हर मजहब वली भी मौजूद ने। तुसी चुप कर गया, मैं फिर कहना, हर वखरे वखरे तुहाडा जिला की कहना, तुहाडा जिला केड़ा है? फैसलाबाद तो मेरा जिला गुजरा वाला, चलो गुजरा वाला वखरा होगा, फैसलाबाद वखरा होगा, जिला तो है ना वो यार, जिला किसी का कोई भी हो सकता, जिला तो है ना। इमाम हर मजहब च है, मसल साढ़े बारह इमाम ने अली तो लैके मर्जी तक, बाकी साढ़े दोस्तों के चार इमाम ने, हजरत इमाम आदम रहमतुल्ला अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्ला अलैह, हजरत मालिक रहमतुल्ला अलैह, हजरत शाफई हजरत रहमतुल्ला अलैह, ये सारे जो इमाम ने, बाकी अहमद बिन हंबल रहमतुल्ला अलैह, ये सारे इमाम उन्होंने इमाम ने, चार इमाम उन्होंने ने, तो बारह साढ़े वाले हो गए, तो किन्ने हो गए, सोलह। हम चुप कर गया यार, बारह तो चार इन्नी रियासी तो बंदे आँदी है। तुसी यकीन करो मैं गया ना हज करने वास्ते, कुरान तो मेरे दो हथ ने, हर बंदे मेरे को खड़ोते ने, मैं मस्जिद नबवी के अंदर इन्हों सोलह इमामों के नाम अखा नाल पढ़े। की गल हुई है कि तुम जिंदगी सोलह इमाम पहली बार सुनी मैं, वो यार बारह साढ़े वाले ते चारों नाले कदी लूणे मिठे रला के भी खाया करो की
मेहरबानी फरमा बाग बचिया यार साढ़े किन्ने साढ़े किन्ने बारह दोस्त साढ़े पंजे किन्ने चार वो भी इमाम ने एवी इमाम ने ते कुल किन्ने हो गए सोलह मैं सोलह इमामा के नाम इस्माइल गिरामी अली तो लैके माधी तक ते इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो लैके हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह तक मैं बारह इमामा के नाम मस्जिद नबवी के अंदर इन्हां अखां नाल पढ़े ने खा विच ने जिंदा खलो के ते अखां नाल पढ़े उदों मैं पांच चज किया तो उदों मोबाइल वगैरह इस किस्म के नहीं सन कि मैं वो वीडियो शीडियो बनाता पता नहीं अंदर लैके जाते हुए लेकिन हूँ मैं जान का इरादा रखना उम्र से हूँ मैं बना तो लिया वो फिर मैं देखे हज़रत अली हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन हाँ हाँ इमाम ज़ैनुलाबिदीन हाँ जी इमाम मोहम्मद बाकर बारह इमाम मैं अखा न पढ़े मस्जिद नबवी के अंदर तो चार इमाम भी पढ़े ने उत्थे मैं हैरान हाँ कि बाकी बंदे अन्ने ने जिन्हें बंदे जाते हैं वो यार आखिर भी तो मस्जिद नबवी जाते हैं मैं भी कुरान सामने रख के गल पे बैठा कि मैं अखा न पढ़े ने बंदे इस्लामाबाद जाना तो किचन वेखा उन्हें चंगा किसी तक किचन उसकी तस्वीर बना के फैसलाबाद आकर मिस्त्री आते हैं इंज का बनाना ही मैं पाना इंज का बना इंज का बना वो आता यार उत्थे मौसम हो रहे इस्लामाबाद फैसलाबाद का मौसम हो रहे खुदा करना है उस आखिया तो बंदे एडे जड़े होते हैं वो आते हैं पैसे मैं लाने ने जे मैं फैसलाबाद इस्लामाबाद लाना बना तो मेरा प्यो ही बंदे एडे एडे जिद चले जाते जी उतों डिजाइन पर आते हैं मैं हैरान हुआ यार इस्लामाबाद तेन किचन चंगा लगे तो वह डिजाइन मैं होना ये मस्जिद नबी चो तेन डिजाइन नहीं लगा यार इनिया मस्जिद बनिया ने इनिया मस्जिद क्यों बनिया ने तो इन मस्जिद च किसी कुपे से सोलह ना लिखो बारह नहीं यार सोलह बारह जो उ लिखे ने अगर मस्जिद नबी शिया की नहीं होगी यार तेरे वाली मस्जिद भी है ना जिहर शिया की तेरी ना उठे नहीं तू उतो लिया तो आप मैं मस्जिद नबी के मुताबिक बनाए ने मस्जिद नबी च सोलह ना लिखे सोलह ही लिखते बारह साढ़े लिखते चार आप लिखते लेकिन ये करना किसी नहीं क्यों अल्लाह दे बंदे तेनू अंदरों पता है तेरे पुछड़ चढ़ के ना क्यों मैं आड़े तेन तेनू तेरे मुंडे ने पुछना है चाचा अली भी इमाम ही है ना सुभान अल्लाह मौला में तुम जता दे खिलाफत का नजरिया भी मौजूद है इमामत का नजरिया सदके मेहरबानी जी मेहरबानी नबी नबी को मिले अकीदा इमामत भी नबी को मिले मैं शिया के कुछ अहले सुनत बैठे हो मैं थोड़ा ये भुलेखा ला दें यह जरा तुम कह देना कि जेडे अहल हदीस ने वो वली नहीं मनते वलिया नहीं मनते मैं एक अहल हदीस नूं पूछे है मेरा दोस्त है चलो और यार पठे का पठा इटा आता तो इटा शिटा लिया फौत वो इमाम मस्जिद भी उन्होंने मैं कोई पूछा मैं तुम यार अहल हदीस जेड़े हो जिन्होंने भाभी आते उस अगर की गल मैं यार तुम सुने वलिया नहीं मनते तो हो सके तेन क्या यकीन करो उस तेन क्या आख्या वलिया नहीं मन मैं क्या मैं सुनया तुम वलिया नहीं मनते हो सकता मैं सुनया तुम का करो
मैं तू कितों सुन लिया तुस तू कितों सुन लिया तुस बड़ा यार सी ये बड़ा बारीक सी मैं यार तुम सुन रहे बढ़िया नहीं मन कह लगा कि तू तू मैं कितों सुने उस मैं सुना तुझे काफिर तो मैं क्या यार तू कितों सुन लिया तुस तू कितों सुन लिया मैंने आता हो समझ आई है जिम्मे तू सुने मैं भी सुने तू भी सुने कहता मैं सुनिया सुनिया गलत अमल नहीं करेगा यकीन करो मैं पूछे मैं क्या तुम सुने बड़िया नहीं मानते हो सकता यार बड़िया असं भी मानने लेकिन थोड़े शिया सुनी जो बड़िया मानते उन्होंने अभी नहीं मान मैं तुम कि मानते हो सकते हॉस्पिटल लिख लेंगे तुम तो जी कबर से चादर पहनते हो वाली मानते थोड़ी कड़ी गल तुम कब्रस्तान जाते हो जे चादर पही हो तारीख तो जाते हो तरह करो कहते हो बाबा जी को मेहरबानी करा अज तारीख और सब अभी बाबा को तारीखा शरीर सही नहीं कराते असं सिर्फ कब्रस्तान इबरत हासिल कर जाने कि इतने सारे मरना तो इतने ही आना और मदीने का कब्रस्तान भी होबरत लैन जाने असं मंगण नहीं जाते मैं यार कोई गल नहीं अपना अपना नजरी है तू अगली गल कर बड़िया मानते कह लगा मानते मैं तुम्हें वली किनू आने वो सकता जितने चादर पहने असं वली नहीं मानते और मैं तुम्हें किनू मानते हो सकता जो सब तो व्डा आलिम हो सके वह सब तो व्डा वली हो देखो जी गल ले किसी की गल सुन भी लैनी है उस आख्या जोड़ा आलम दीन हो आलम दीन असं जहरा बली नहीं मनते जोड़ा आलम होनू बली मनने मैं क्या अच्छा तो जिद को थोड़ा इलम हो सकता छोटा बली तो मैं जिद को बहुता हो सकता व्डा बली तो मैं जिद को बहुत व्डा हो सकता बहुत व्डा बली मेरे को इलम जिद को बहुत ज्यादा हो सकता बहुत व्डा बली तो मैं जिद को बहुत ज्यादा हो सकता बहुत व्डा बली मैं क्या हूँ पता लगे ही नहीं क्यों आखे आलम दीन एदा मतलब नबी ने ही खलीफा दसिया नबी ने ही इमाम दसे और नबी ने ही वली दसे एदा वलायत की इज्जत है नबी की वजह तो खिलाफत की इज्जत है तो नबी की वजह तो सहाबा की इज्जत है तो नबी की वजह तो और इमामत की इज्जत है तो नबी की वजह तो मैं नबी की इज्जत कुरान चो पढ़ के थोड़े को अज जस लगे जिन्हें पैगंबर की इज्जत नहीं करनी उन्हें किसी की भी नहीं करनी मैं तुम्हें पक्की गल पा दस तेन एक गल दसा आज मुंडे नौजवान बैठे ध्यान प्यो की इज्जत करो तो प्यो भी इज्जत करवाओ अल्लाह के बंदे हो करवाना भी बड़ा काम है मैं तुम्हें एक गल दसा इज्जत करवाना भी बड़ा काम है क्योंकि असं हम बच्चे तो नहीं ना असं हम वे हो गए हैं असं भी हम ध्यान रखिए ना कि असं साहब इज्जत हाँ जिन्हें मुंडे मेरे लोग तकरीर सुनना आए हैं अज की मेरी तकरीर नौजवानों एक ही है कि जेड़ा सहरा के बाबे की इज्जत नहीं करता वो अपने बाबे की इज्जत कर सदके मौला भाई तुम्हें चला है पैगंबर की इज्जत करो की है पैगंबर की इज्जत कभी भी मेरे नबी के घरों में दाखिल नबी का एक घर नहीं सी सरकार के कई घर सन और भाई जिन्या सवाज सन उन्हें घर सन एक घर बीविया ने नबी को नहीं सर दिते नबी ने बीविया को दिते सन मेहरबानी मेरे असीजो बीविया घर आप चाहिए ने पैगंबर ने कर दिते सन अल्लाह मना किया ए ईमान वालो ओ ईमान वाले साडे तो वड्डे लोग ने जिन्हें पैगंबर वेख्या जिन्हें पैगंबर के पिछे नमाज पढ़ी जिन्हें पैगंबर के हाथ चढ़ दिता जेडे रोज पैगंबर की ज़ियारत करते सन कुरान की मैं कसम है लोग आने नबी कोई आख्या मेरी इज्जत करो मैं तेरे को पुछना कुरान सामन दे के जेड़ा भी मतलब तेरा तल लगे
नबी किसे स्वाभी को आख्या सी कि मैं कुरूड़ी करा ते थले पानी सुटा ते लै के मुंह ते मरया कर। नबी के बुजू का बचिया पानी सहाबा मुंह ते मलते सन। की सुन दे पैया ओए नबी दे ओए बुजू का बचिया पानी ओए नबी जेड़ा पानी मुंह चो कर देंदे सन कुरूड़ी करके सहाबा थले लै के नबी नक मुबारक च पानी पाते सन। तीन मरतबा सुनत थले पानी दिखता सी जेड़े आलम दीन मक्के बैठे ने ना सवाल के जवाब देते हजाजी उन्होंने फोन करके पूछो जो गल सही ना हो हुसैन है ही मेरे बिचो सद के जाना अल्लाह उन्होंने कह रहे यार जो अल्लाह जी ना मानू ला तद खुदू नबी जी नबी के घरों में दाखिल ना होना इल्ला आयशू सना नकुम जब तक तुम्हें इजाजत ना मिल जाए जब तक तुम्हें इजाजत ना मिल जाए। कादी आज तारीख भी ठीक कर लो कुरान पढ़िए तो तारीख का पता लग जाता ठीक है कि गलत है। कुरान पढ़ो ज्यादा तो ज्यादा तारीख का शीशा ला के कुरान ना देखो कुरान का शीशा ला के तारीख और जड़े बंदे आते ना की पता जी तारीख ठीक है कि नहीं मैं तुम्हें कर दिन ठीक है हाँ जी कुरान से पढ़ो ना कभी पर वास्ते वजू करना पैदा कोई सियाड़ा हो गया अल्लाह फरमाता है इल्ला अयशू सना नकुम नबी के घरों में ईमान वालों दाखिल ना होना काफरा की जान नहीं ईमान वालों नबी के घरों में दाखिल ना होना जब तक तुम्हें इजाजत ना मिल जाए कादी इलाका आमिन खाने की खाने की जब तुम्हें इजाजत मिल जाए कि खाना नबी के घर में पक गया है आगे ईमान वालों खा लो करो तारीख ठीक जिस जिस तारीख ने नबी नू गरीब लिखे उस मुअर्रख दा गिरेबान फड़ कुरान दा नबी अल पकदा सी लोकी आगे खांदे सा हर उठाओ सर उठाओ नबी अल पकदा सी और लोग आके खाते सन। हूँ गल कर एक खुआन वाला अमीर सी के खान वाले बोलो की बोलते हो यार खुआन वाला के खान खुआन वाला खुआंदा कौन सी नबी खाते कौन सन मोमिन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह रहमत अजमाई हूँ तेनू मैं कहे अली दी कैड़ी बनाया दसा मैं तो तेरे तो परेशान हाँ ये जरा खुआंदा तो गरीब आना जे खाते उन्होंने अमीर आना मैं कि जिन्हों अमीर का पता नहीं उन्होंने अमीर अमीर का पता कितना है। अगो सुनो जी अजय एक गल अल्लाह फरमाते गैरा नाज़िरी ना इनाम सूरह मुबारक अहज़ाब 53 नंबर आयत 22वां पारा अल्लाह फरमाता खाना पकने का इंतजाम नबी के घर में आके नहीं कर किन्ने बंदे गौर किया खाना पकन का इंतजार नबी दे घर आके नहीं करना जो पक जाए उदो आवे यदा मतलब है बंदे पहला भी आ जाएंगे की गल हुई और यार बंदा पहला आ ही जाता है और सवेरे तुम चूंबा बनाओ इटा रखो देग रखने वास्ते बाहर इकट्ठे हो जाते हैं देग पकड़ लगी आओ जी देग पकड़ लगी आओ जी देग पकड़ बंदे पहले आ जाए अल्लाह की फरमा अल्लाह फरमाता नहीं इंतजार इतने नहीं करना वाला किन ईजा तू ई तो कुरान पे पढ़ जब दावत मिले कि पक गया है खाना आ जाओ फद खुलू तो दाखिल हो जाओ फा ईजा तइम तुम जब तुम खाना खा के फारग हो जाओ फन तशर फिर मुंतशर हो जाओ वला मुस्तान सीना भी हदीस और खाने के बाद भी बातें करने के लिए मोहम्मद का सेहन इस्तेमाल न कर। वाह वाह अब आ गए वो भाई बहुत अच्छा समाज हो कुरान में सुन रहे हो चौक च बैठ मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा मतलब है खाना पकन तो पहला भी नहीं आना तो खाने तो बाद भी पहला आना नहीं है सदके थोड़े सुन पहला आना नहीं तो मगरों बहना नहीं ये पैगंबर के घर की गल है वजह की कोई सैयद बैठे ने मजमे च दो चार पांच सैयद कौन ही सैयद और यार बैठे हो खैर सर मैं पैसे मंगने लगा थोड़े सैयद जो बैठे हो मेरे पास ये जो सैयद बैठे हो सैयद है जो सुनत हो गए तो उर्स कराता है
शिया हो जाए मजलिस करा दे। ठीक है, मजलिस तो पहला भी दो चार दिन मुरीद आ जाते हैं, तो मजलिस तो बाद भी दो त्रै दिन रह पे, और उसके दो दिन पहला भी मुरीद आ जाते हैं, तो बाद भी दो दिन रह पे। वो जो पहला मुरीद आए होंगे उर्स तो उन्होंने पीर घुटता है। बोलो की गल हुई कि वह पीर को घुटते, वह पीर को घुटते, पहला आ जाए तो भी खिदमत ही करनी ने, ते मगरों रह जाए, पहला चुंबिया वास्ते इतना कठिया करनी ने, ते फिर बाद जो था धर्म जानी है ना। यदा मतलब मुरीदा पहला आया तो भी फायदा ही होंगे, ते मगरों आया तो भी फायदा, रह का भी फायदा ही होंगे, पहला भी खिदमत बाद भी खिदमत। रथ वही कुरान ते हथ, पैगंबर तो वड्डा पीर कोई नहीं, तो सहाबा तो वड्डा मुरीद कोई नहीं। अल्लाह पहला आन नहीं देता मगरों बहन नहीं देता। और यार नबी तो वड्डा को पीर है नहीं, नहीं ऐसे सुनत बोलो। हजरत गौसे आजम जड़े ने, गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी, वो पीर के पीर ने, तो इमामे संधि के औलाद ने, तो संधि औलाद ने, तो जिन्हें सैयद कादमी ने, तो बुखारी ने, तो तिरमिज़ी ने, तो नकवी ने, ये सारे हजरत इमाम हुसैन की औलाद ने। हसनवी हसन की औलाद, चलो भी सैयद, वड्डे भरा की औलाद भी सैयद, निके भरा की औलाद भी सैयद, गिलानी भी सैयद, तो हुसैनी भी सैयद। ये दोवे भरावान के पीर का नाम अली है, तो अली के पीर नू मुहम्मद आंदे। बोलो सारे उठाओ यार, की हो गया जो ये मतलब पीरा का पीर मेरा नबी, तो सहाबा इकराम तो वड्डा मुरीद कौन? और पहला आते हैं तो अल्लाह आन नहीं देता, मगरों पैदे ने तो अल्लाह बहन नहीं देता। सारू खाया गया, मैं क्या अल्लाह की गल है? अल्लाह फरमाता है इन्ना साबिकुन काना यूसिन नबिया। दरअसल ये जब बंदे पहले आते बैठते हैं या बाद में बैठते हैं तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। बंदे आ जाते हैं आते बैठते हैं, पैगंबर होर भी कई काम होंगे ने, फिर उन्होंने को बहना पैदा है, तो मैं क्या नबी बात उठा छड़ हूँ। जिन्हें खलौने उन्हें आयत पढ़नी,
जो कोई शेर पढ़ने वाला आएगा तो शेर पढ़ लिया, जो कोई रुबाई पढ़ने वाला आएगा तो रुबाई पढ़ लिया, जो कोई सीधा पढ़ने वाला सीधा पढ़ लिया। मैं तो आया था मैं पढ़ना जी आयत होंगी उठ के पढ़। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मैं राजी हाँ। मौला तुम जजा देवे इस सलमान का मयार तो समझ लिया, जिन्हें इस घर की इज्जत की है ना इन्हें घरों जान ही नहीं दी। सार उठाओ मेरे ना, मैं इको गल करके जा सुन लगा। मैं सलमान के मुतलक एक जुमला जरूर आज रखना चाहना। हजरत सलमान उत्थे नहीं सन तो बीबी पाक नू अरश तो खजूर आई, बीबी पाक नू अरश तो खजूर आई अरश तो। मैं इतू वी सलमान के हक च कोई गल नहीं कर सकता, मैं इश्क की गल पे करना, नबी की इज्जत की गल पे करना, नबी नाल प्यार की गल पे करना। पता नहीं इन्हें किवें नबी का दर नू चुमया। बीबी पाक ने फरमाया जनाबे सैयदा ज़हरा ने फिजा कुछ खजूर रख छड़ी सलमान घर में। सदके तुहाडे सदकिआं कुछ खजूर रख छड़ी सलमान घर में, फिर रखियां तो वास्ते जांदियां ने जिहड़ा ज़हन च होवे, जिहड़ा ज़हन च होवे। इहदा मतलब है फिर बंदा कमाल होई है जिहड़ा ज़हरा दे ज़हन च होवे। हाय हाय ओ यार ज़हरा दे ज़हन च होवे। सदके जी बीबी फरमाया फिजा खजूर रख छड़ी, खजूर रख छड़ियां। सलमान आए ना सफर तो वापस, तो बीबी ने आके सलमान नु खजूर दो, सलमान नु खजूर दित्तिया गई, तो आपने फरमाया सलमान ये अरश तो आईया ने। फरमाया जी बिस्मिल्ला, क्योंकि सलमान ने मूंह खजूर पाई ना तो खादी के बच्चे गिटकी कोई नहीं, खजूर के बच्चे कुठली कोई नहीं। अरे सलमान कह लगे बीबी पाके ने गिटकी कोई नहीं, फरमाया किसे बीजी हो गिटक होगी जो कितने बीजी होगी। यह बीजियां नहीं उगियां, यह सीधिया कुन की मखलूक ने, तो अरश तो सीधिया आई हैं। यह हूं आई सन साढ़े घर घर, एक का नाम मकदादा सी, एक का नाम जर्रा सी, एक का नाम सलमा सी। फिर उन्हें क्या जो मकदादा सी ना उस आख्या मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लाई है मैं जन्नत मकदाद की बीवी हूँ। एक का नाम जर्रा सी उस आख्या मैं जन्नत अबू जर की बीवी हूँ। तो एक ने अपना नाम सलमा दसिया उस आख्या मैं जन्नत सलमान फारसी की बीवी हूँ। अल्लाह माफ़ी दे भाई तो साढ़े जहाज किसी बंद पक्की गल का पता लगे ना मैंने चाहे होर मिल जाए असाल नहीं छड़ छड़ी। अल्लाह माफ़ी दे जिमें साडा मिजाज सलमान एडा खुशी नहीं चढ़ी जिड़ी सानू चढ़नी चाहिए। अच्छा सलमान फरमाते ने अच्छा वह भी आई सी सदके जावा भाई सुन को सदके। अच्छा सलमान फरमाते ने वह भी आई सी कि सलमान तो की आती सी बीबी फरमाती थी जन्नत मैंने हुक्म होया तू जन्नत सलमान आया तू बीवी है। अगर सलमान ने फरमाया चाहो भी आई सी भी आई सी तेरी इज्जत तो सदके खजूर हाथ च रख के सलमान फरमाते ने सहारा इको ही गल दस तेरे बराबर तो नहीं सी पै गई। मैं खैर देवे खुदा जी कसम सलमान फरमा दे सदके नौजवान मौला तुम जजा दे खैर हो। बीबी पाक ने सलमान का इम्तिहान लैन वास्ते बीबी ने फरमाया सलमान तू होर नू जानना है होर बेऐब मखलूक है होर नूरी मखलूक है होर ते नेड़े गुनाह नहीं चलता उन्हूं कोई बंदा मस नहीं किया होंदा होर बेऐब बंदा दी नूरी मखलूक है। सलमान किवें दी गल कीती आ ओह मेरे बराबर भी बह जाए तो मैनू एतराज नहीं मेरे बराबर भी पै जा तो मैनू एतराज नहीं। ऐ सलमान तेरी जुत्ती चुमना पर मैं तुहानू एतराज नहीं ना मैनू ते है। सदके सदके आवाज रहो मेरी माकूमा होवे मेरी माकूमा होवे मेरी माकूमा होवे जन्नत जी ते तेरे बराबर बह जाए। बीबी ने साढ़े तक घर पहुंचाने वास्ते कहा सलमान चल गए जी घर अगर वो मेरी मसनत ते बह गई हो तो फिर सुने बीबी ने फरमाया सलमान अगर मेरी मसलत ते बह गई हो बराबर मैनू जे इतराज कोई नहीं नूरी मखलूक बेऐब मखलूक मैनू जे इतराज कोई नहीं तेरा की ख्याल तू की करेगा। कह लगा ज़हरा तेरी इज्जत की कसम है जे बैठी हो ना तेरी मसलत ते तेरे बराबर मैं पूरे शरीर च तलाक ना दे आ दे मैं तेरा नौकर ही। Oh!
सहाबा सलवात इकबाल सहाबा जी दे बराबर हूरां नूं बैठा पसंद नहीं सन करदे ओदियां तियां नूं गलियां च रोलिया लोकां बंदियां ने सहाबा दी भी तारीफ नहीं पढ़ी। खुदा दी कसम एक सहाबी यजीद दे दरबार च मौजूद सी नबी दा सहाबी। हाँ बहुत शुक्रिया किबला बहुत मेहरबानी सारे बंदे दसें चाहे नबी दा सहाबी यजीद दे दरबार च मौजूद सी खलोता सी जदों यजीद ने तीसरी सोटी शबीर दे लबां ते मारी। सहाबी रसूल दे सामने त्रीजी सोटी हजरत इमाम हुसैन दा सारे दे सामने प्लेट च रखिया सी ये अपनी सोटी नाल शबीर दे लबां पहला हलांदा रहा ते दे नाल नाल तंज करदा सी तंज करके आंदा सी हुसैन तेरे लब बड़े खूबसूरत नाल नाल आंदा सी हुसैन तेरे होंठ बड़े खूबसूरत खूबसूरत आखण तो बाद जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा दे सामने नौजवानों इस तीसरी सोटी मेरे माला दे लबां ते नाई नहीं आंसू आ गया मेरा ध्यान आई नहीं तीसरी सोटी इस मेरे मौला दे खूबसूरत लबां ते मारी है ते मेरे मौला शहीद आजम दे लबां चो टिकला खून जारी होया है जदों अज तो खून है ठोडी तक आया ना मेरे मौला दी ठोडी तक रीशे मुकद्दस विच खून जज़्ब होना शुरू होया और तो दौड़िया ते यज़ीद दे तहतियां पौड़ियां चढ़न लग पिया कहन लगा फटो फटो कोई हमला हो गया इहनूं बंदिया पिछों पड़िया सही आदमी सी चिट्टे वाल खुले अमामा गाले हो सकिया पुटड़िया कौन है तू हो सकिया मैं मुहम्मद का सहाबी हाँ मैनू रब्बे काबा की कसम जिथे तू मारे ना मैं रसूल नु चुमदिया वेखा मैं पैगंबर नु अपनी अखां नाल चुमदा आंसू आ गया। हुण मैं तुहाडे ते इक दो सवाल करना रश बहुत है थोड़े थोड़े जे अहाते तक चेहरे नजर आ रहे हैं अगों बंदे नजर आते ने बंदे बैठे ने खलोते भी बहुत दूर लेकिन चेहरे नजर इतने मसूरात इन्ना रश है अज छे ते सत दी रबी उल अव्वल दी तमैनी रात है। मैं सवाल थोड़े ते इस वास्ते करन लगा कि लोगों का सवाल भी जवाब बच ही आ गया ये अज किधर आए आया ये तो अभी मैं की पूछा यकम मुहर्रम तुस आख्या सी अज चंद मुहर्रम का चढ़ गया जहरा दियां तियां करबला दे नेड़े अपड़ गईयां इस तरह आबाद रहो मजसा शुरू हो गई सफर मातों पिछड़ी जिमें यार नौजवान जिहड़े गौरमेंट ने मुलाजमीन साडे अफसरान ने जिमें तशरीफ रखते हैं इन्हां दियां ड्यूटियां लग गईयां पता लग गया मुहर्रम का चंद चढ़ गया पहले लिस्टा बन गई कितने जुलूस निकलना डी पी ओ साहेबान डी सी ओ साहेबान बड़े बड़े अफसर मीटिंग की अमन कमेटी बुलाई उन्हें क्या रस्ते च लाइटा लाओ रस्ते में अगर कोई राह तारा आदियां तो पिछे हटाओ बड़े अफसर मैं सलाम पेश करना मैं डी सी जी डी सी साहेबान सलाम पेश करना डी पी ओ साहेबान सलाम पेश करना जेडे मुहर्रम तो पहले आते हैं ऐ दरम्यान के यार बार डंगर डूंगर बदे होंगे ने जुलूस का रस्ता एक दिन पहले आके बंदे पहले आके क्यों इतों किने लंघना इतों किने लंघना इतों सिर्फ इमाम हुसैन दियां मातमियां लंघना इतों आजादारा ने लंघना इतों शबीर दियां भैणां नूं रोण वालियां ने लंघना। मैं खुदा की कसम कई बार सोचिया जिवें अज के अफसर डी सी साहब डी पी ओ साहब वड्डे वड्डे लोग इंजीनियर वड्डे एस डी सब लोग आके तारा के पिछे करके जुलूस का रस्ता बेंदे एक दिन पहले कि इतों शबीर दियां मातमियां लंघना काश इंज दे कोई चार अफसर शाम च होंदे एक दिन ते पहला आ गया ने लोगों बाहर ना आया जे नाले तो ना लगना जे जिहड़ियां नाले दी कबर ते रात रो जांदियां मेरे सवाल का जवाब दोगे
तकरीर मुकी, तकरीर में कर लिया। हूँ दो चार दस मिनट जो मुसाइल थे ये मकान मकान थोड़ा मेरा जरा फासला ज्यादा मैं उच्ची तक लौटा। तुम मैं बिल्कुल करीब समझो, तुम हर बंदा मैं समझो, मैं जो थोड़े गल च बहव पा तुम मैं बदिए नहीं समझो, इंज समझो तो मैं रोना चाहता। थोड़ा की खैर मैं रोना है तो मैं दिल करता थोड़े कले कले के गल च बहव पाव तो एक एक अपने भरा अपने बच्चे अपने दोस्त को पूछा। यकम को पता सी कि अज चंद चढ़ गया, दो मुहर्रम को तुसा आख्या अज जहरा का लाड़ करबला पहुँच गया है। ऐसे ना तेन हबीब न खत लिखा है, चार कौमे बनी असर के लोग आ गए, इंज सत्त में पानी बंद होया, तुसा आख्या भी अज पानी घट रोड़िया जी, हर हर दिन का तुम्हें पता। फिर दस मुहर्रम सवेरे जोड़ा साडा रेहड़ी लाता से रेहड़ी जोड़ा रेहड़ी वाला होता है वह कभी दिहाड़ी नहीं त्रोड़ता, जोड़ा शीआ रेहड़ी वाला ना वो दस मुहर्रम एक पास रेहड़ी खिलार के धियां ला के सवेरे उठ के टुर पे। मजेदार पुछते हैं अज नहीं कम तो जाना आंदा यार अज भी कम करना जे जहरा दियां धियां उजड़ गई। साढ़े मजदूर भी छुट्टी करते असं मरी नहीं जाते दस मुहर्रम मरी नहीं, लोगों दिया गड्डिया मरी फस गई दस मुहर्रम त्रै छुट्टियां कट्ठिया आ गई तो लोग मरी तुर गए। सानू कोई इतराज नहीं अलहमदुलिल्लाह, सानू कोई किसी को कुछ आखन की लोड़ नहीं। जिन्होंने यह नहीं पता दस मुहर्रम की सी वो अज किवें पता करेगा अज की हो। मैं अज तक आने लगा मेरा छेती छेती जवाब देते जाओ यार मुहर्रम बंदे परेशान होए तो मैं सामने तो लोगों आख्या कल का अशरा मुक नहीं गया। तो फिर शिया उन्होंने दस यार अज जहरा दियां धियां तो औखा देंगे अज तो रस्सियां पईयां जे कड़ियां लगियां जे बारह मुहर्रम बीबिया इब्ने ज़ियाद के दरबार च पहुंचियां। फिर लगे यकम सफर फिर करबला तो शाम पहुंचियां अज की है अज की है अज की है भी सफर को चालीसवां बनाया जे। बोलो यार हर बंदे ने दसिया जे अज की है अज चालीसवें। मैनू एक बंदा पुछा जी कित्थे चालीसवें, मैं क्या पिंड पिंड कि मैं क्या शबीर ते उहदे पुत्रां दा हुसैन ते उहदे पनेरियां दा हुसैन ते उहदे भतीजियां दा हुसैन रसलां ते उहदे अमीरां दा। कह लगा चालिया तो एक थां होंदा, मैं क्या इन्हों का भी एक थां होना सी जे भैणां करके लियांदियां भैणां नूं किसे करन नहीं दित्ता ते हर चौ ते चालिया शुरू हो गया। तुहाडी हाय मेरे तक पहुंच गई। हुण मैं सिर्फ इको गल पुछना चाहना कि अज किधर आए हो। लोगों को पता है मुहर्रम भी गुजर गया सफर भी और यार गुजर गया सफर भी गुजर गया अज रबीउल अव्वल की छे ते सत दी दरमियानी रात अज किधर आए दसण लिए लोगों अज बरामदगियां ने कोई बरामदगियां कादी बरामदगियां अमारियां किदियां अमारियां। चलो चलो पूछना तो मेरा हक बनता है तुसीं रो लो। मेरे अजीत ने जिहड़े बानियां ने मजलिस चों ने मेरे कोल बैठे ने मेरा पूछना हक है इस पूछण च मजलिस अमारी किहनूं आंदे ऊंट ते होंदी ऊंट ते उत्ते जिहड़ी होंदी आ मारी उत्ते जिहड़ा तजावा होंदा हाँ जी वो आ जाओ किड़ियां मारियां। हाँ बोलो तुसा बोलना जुलजना इमाम हुसैन का सलाम का अलाम हजरत अब्बास का अमारियां कि सैयदजादियां जी मेहरबानी उन्हें जवाब दे दिता अंदर बतूल दियां धीआं अज सा तसव्वुर है कि वापस मदीने आईया जड़िया वसदियां गई सन अज उजड़ के वापस पड़िया आबाद रहो। मैं एक गल कर लवा जरा बीबिया मोहतरमान अपन मुर्शदादियों गल कर लो बोलो बोलो हजरत सज्जाद भी आए वापस हजरत इमाम मुहम्मद बाकर भी वापस आए ज़ारा दियां तियां मेरिया नमाजा मैं पढ़ना नमाज लेकिन कमजोर हो सकती ने हो सकता कोई लिखता कि नहीं लिखता रोजे मैं रखना पता नहीं दिखावे दे हो के जाया हो गए हज मैं किया पता नहीं हज ही कहलवा कहलवा के मैं जाया कर बैठा। एक मेहरबानी करी मेरे सजे पास लिखण वाले फरिश्तिया ते सारे मजमे दे सजे पास अमान लिखण वाले फरिश्तिया जरा ये लिख नहीं लिख नहीं जिधर तुरे सन असि धियां लैके उधर भी आए सा
भाई रजब नु बोलो यार जिधर तुरे ने यार सदात जिधर मदीना तुरे ने असी उधर नीतियां लै के आए था ते लोगों नु दस्या सी आज तुर चले जे आज मदीना उजड़ चला जे ते मैं इक गल फिर पै करना है सजे पासे आया फरिश्तिया साडे अमान च नमाज च नक्सो सकदा है साडे रोजे च ऐब हो सकदा है मैनू मेहरबानी करी इस गल च ना कोई आंसू च तसन्नो है ते ना बनावट नाल आंसू आउंदा है मेहरबानी करके साडे नाम अमान च लिख नहीं साडियां तियां बदूल दियां तियां नहीं सतवार वास्ते आई है साडे पुत्र मोहम्मद पाकर दा इस्तकबाल सद के जावा जड़ी कड़ी होंगी है कड़ी ये डब्बा डिजाइन होंगे ये अंदर डिजाइन नहीं है कड़ी के बाहर डिजाइन होंगे अंदर डिजाइन नहीं होंगे क्योंकि अंदर डिजाइन हो तकलीफ देती है इस वास्ते अंदर डिजाइन है जड़िया मेरिया भैन दतियां चूड़िया पादिया उन्होंने भी बाहर डिजाइन होंगे हाय हाय क्यों कर किसी गल की समझ मेरा गल तुम उन्होंने भी तुम देखा होना बाहर डिजाइन होंगे उन्होंने अंदर जो मुलायम होंगे अंदर मुलायम होंगे ए जो कड़ियाँ तुम पाइया ने पैरों में या हाथों में यह बजुर्ग बैठे ने मेरे दोस्त उन्होंने भी कड़ी पाई है कड़ी के बाहर अंज हथ करो कड़ी के बाहर डिजाइन तुम नजर आएगा वह अंदरले पास डिजाइन नहीं होंगे क्योंकि अंदर लगती है ना इतों लगती है जितों कड़ी लगती हो तकलीफ नहीं होती अल्लाह कभी नसीब ना करे पुलिस कड़ियों ना भी मैं लगी मैं जाना वो बाहर डिजाइन होते हो सकता है अंदरों वो भी जी मुजरम ते मुलजम भी पाते ना मैं कि आख्या जी मुलजम या मुजरम भी पाते हैं ये मेरे अजीज खड़े ने अफसरान पूछ लो वो भी अंदरों मुलायम होंगी ताकि मुजरम भी अंदरों तकलीफ ना हो कुरान खुला है उलमाए कराम सानू खुदा वास्ते दसन ये अली अकबर का वड्डा भरा मुजरम से किसी का शबीर का बेटा सजाद मुजरम से कि शक है यह मुजरमा दियां भी कड़ियाँ अंदरों मुलायम होंदिया ने जिहड़ा तौब पाया नहीं ना हजरत सजाद के घर विच उहनू अंदर कंडे लगे सन अंदर किल लगे सन उहदे अंदरले पासे किल लगे सन उह जिहड़ा गर्दन च पाया ने ना उह बेची खुब गया जिन्नी देर तक मेरे मौला कैद रहे ने इह जिहड़े किल अंदर वाले सन ना किबला गोश के अंदर जम गए सन जिन्हें फूफिया के सामने हजरत सजाद तौक गले खिंच के बाहर कटिया ए सारा जख्म सन सीने ते तौक के जख्म सन कंड के ताजियानिया के जख्म सन पैरों च शीशे चुभे सन ठीकरियां चुभिया सन पैरों नूं बरम सन अखा चो खून वग वग के रंग जर्द हो चुका सी अज तो मेरे मौला रस्सी फड़ी ना ऊंट दी आ मुहार जी नूं आंदे ते हजरत ज़ैनब आलिया त्रै माह किन्ने मेरे नूं वेखो सिर्फ किन्ने त्रै त्रै ड्यूटी ते खड़ोते ने काश कोई उदन ड्यूटी ते हुंदा जितन सारा दी थी शाम हजरत सज्जाद ने महार फड़ी तो तुर पा कि अगे अगे फूफी ने त्रै महमल ने जो तुम देखा किन्ने महमल त्रै यार त्रै महमल ने उन्हें तुम देखना उन्होंने छबी यार खाली ने तरला करा कुरान खोल लेना तो जहरा दिया तियां का तरला बीबी वेखो कि जमे गफीर
लोग काम कार छद के रात का आराम छद के तीना लैके आए ना पाक मखदूमा मेहरबानी कर एक काजी त्रैवे महमल ने इन्होंने कोई एक भैन नहीं आ जाना जलवा नुमाई तो रूहानी तौर पर ही होती है ना रूहानी तौर पर जलवा नुमाई अंदर एक बार हो के भी टुर जाना इन्हें महमला चो साड़िया मनता पूरिया हो जाए साड़िया दुआवा सदके भाई मैं तरला जरूर करना है मैं तरला ही कर सकता खुदा की कसम मैं के झूठा बरामद करावा ते बीबी रबाब का तरला करना के सारी जिंदगी झूले दिया सड़िया लकड़िया सांप के रखिया भी आ एक बार पुत्र नु झूले दे वे जरा अली अकबर का तबूत होवे ते इमाम हुसैन नु आना एक बार पुत्र नु वे जरा आज पे आना है ना मामला ते एक लमे वास्ते भी मखदूमा आ जाओ सड़िया दुआवा कबूल हो जाए ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਜਾਦ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਜਾਦ ਵੇਖਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਅੰਮਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਫੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਅਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ये तो बल्ले उठ पे तो मामला पढ़िया नहीं जा मैं आते तो जल्दी मुका दो जे खड़े हो खड़े रहा जो भवे से ना जे बैठे हो बस बैठे रहो तो दो चार जुड़े ने चार पांच मिनट पढ़ चार पांच मिनट हाँ जी मेहरबानी मैं बस आंसू आ गए तो मैं मंगवा दी मैं इस्तकबाल करना थोड़िया अखा तैयार मैं करना फिर थोड़े चेहरे मैं तैयार करना फिर लंबी गल इस वास्ते इंतजार है तो मैं पता है इन अम्मा हमला का इंतजार तुम इंतजार मैं पता है लेकिन मेरे सामने कुरान है जिन्ना भी तुम इंतजार है मैं सुगरा जिन्ना मैं तुहाडा दिल छेती आ गया तुहाडा दिल छेती आ गया जिन्ना मेरे पीर दी दीन नु इंतजार है इन्हां दा होर किसा इंतजार है ना नहीं कीता सकदे दो चार मिनट बीबी ने फरमाया सज्जाद मुहार ना फड़ मैं मुहारी लभ दे भाई मुहारी फड़ांगा ते महमन आउंगे सज्जाद फरमांदे ने अम्मा ओ कौन है जिहड़ा मेरी जगह ते मुहार फड़े मैं क्यामत तक भी तेरे अगे अगे तुरदा रहां ते मैं आखणा मैं थक पिया फरमांदे ने मेरा ना थकण वाला बेटा मैं तेरा कदी ना थकण वाला पुत्र लेकिन मैं तेनू हुण सवार करना मैं शाम चो एक शरीफ लभ दे हजरत सज्जाद जान पुछ के पुछया जान दस फरमाते हैं अम्मा वो शरीफ कौन है जरा तेरे नाके की मुहार फड़ के तेरे अगे अगे करबला भी जाए तो शाम भी जाए जिस काफले च मेरिया भैन शामिल ने जिस काफले च मेरिया फूफियां शामिल ने जिस काफले च मेरिया चाचियां शामिल ने जिस काफले च मेरिया मावं शामिल ने बेगाना कौन बंदा जरा साढ़े नाल तोड़ जाएगा बीबी फरमाया मैं दसिया ना बेटा शरीफ है फरमाते ने शराफत दियां तरीकां जल्दी दसो तो मैं मंगवा ला बीबी फरमाया ना बशीर है जज़्लम दा बेटा प्यो भी उनका शायर सी वो भी शायर है वो शायरी भी करते हैं वो सा ऐलान भी चंगा कर लगा उन्होंने आख मेरे नाके की मुहार फड़ लो कह लगे मौला वेखो हजरत बीबी पाक की गुरबत आखा मजलूमी आखा तरस आखा कि करीमी आखा किन्ना को तावन किया ना उस बंदे ने रोटी पकई कैदियों ना सहरत नीतियां उन्होंने अपनी धियां को कर खड़िया ना उन्हें यजीद के खिलाफ एहतजाज किया ना उस बंदे कट्ठे किए कुछ वजह किया सुन लो इन्होंने इन्ना इन्ना तावन करिए तो इन्ने इन्ने करीब ने इन्ना इन्ना करते हैं बीबी पहला जुमला आख्या दिल संभाल के सुनना किसी दिल दिल कुछ दिल मुँह तक ना आ जाए बीबी फरमाया सज्जाद यजीद के दरबार का माशकी सी पानी छिड़कता सी बहाने बहाने नाल मेरे को लंघता सी इहदी पहली सिफत वे इहदी मैं ममनून हाँ इस भरे दरबार च कल्ला बंदा जिस मेरे अंदरों नहीं बैठा शामिल हो गया सारा सदके भाई इसने इस्तकबाल करना चाहिए परे दरबार जितना बनता है जिस मेरे नो अखा चुक के सदके हाँ भाई पकड़ते हो मैं नन्ना ही वेख्या दूजा बीबी फरमाया ने एक गल करनी सी त्रै वारी मेरे को लंघे किन्नी वारी त्रै वारी गल एक करनी सी रुकता ता नहीं सी कितने यजीद नु शक ना पै जाए इन्हों का हम दर्द त्रै वारी लंघे जो तो पहली बारी लंघे दिल काबू करना पहली बारी लंघे ते हौली हौली मैनू सिर्फ इन्ना कह सके पानी छिड़कन दे बहाने बहाने थले मुंह करके लंघिया ते पहली गल इस मेरे नाल कीती इत्थे क्यों आए हो सदके
ਤੇਰੇ ਬਾਨੇ ਬਾਨੇ ਨੜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ ਸਦਕੇ ਇਸ ਹਾਇ ਚ ਮੰਗਵਾ ਗਈ ਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਗਰ ਹੀ ਫਟ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਜਿਗਰ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸੱਜਾਦ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਖੈਮੇ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਮਹਮੂਦ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੌਕ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲੋਗੋ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਮਨਾ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਨ
सहरा की कबर से आके मत्था रखा, आवाज आती है सहरा गवा रही, पहले अब्बास के फिर मेरा बेटा गया, बीबी ने आवाज दी सुगरा जल्दी आ, प्यो दा कासे दा गई लुटिया गया बेड़ा बदूल दा उजड़ गईया जे तिया सहरा दिया आ कासे दा गए निशानियां आ गईया आए घोड़े आ गए कासे दा गए निशानियां आ गईया मातम हुसैन सुबह पूछती